हे मिस्टर आर्चिमेंट, मुझे एक ऐसे सोल्डरिंग आयरन बना के दिखाओ जिसे बनाना काफ़ी आसान हो और वो सस्ते में भी बन जाए और वो वर्क भी एकदम झक्कास टाइप का करे। हाँ ज़रूर, लेकिन मैं एक नहीं बल्कि चार तरीके बताने वाला हूँ कि हम कैसे सोल्डरिंग आयरन बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी बनाना है सोल्डरिंग आयरन तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैं चार तरीकों के साथ एक एक्स्ट्रा तरीका बताने वाला हूँ जो आपके लिए बोनस टिप रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। गाइस, सोल्डरिंग आयरन बनाने के लिए जो पहली सबसे चीज है वो है सेफ्टी पिन, जो कि हमारे घर में मम्मियाँ इस्तेमाल करती हैं। तो उसका जो हमें करना क्या है, पिन का जो आगे वाला होता है ये लगाने वाला, तो इसको हमें कट कर लेना होगा। देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। और साथ ही हमें चाहिए होगा एक स्क्रबर, देख सकते हैं, जिसे हम जूना भी कहते हैं, जो बर्तन मांझने में काम आता है। तो उसका जो हमें एक वायर होता है, देख सकते हैं, इधर का एक वायर हमें चाहिए होगा। तो इसको मैं कट कर लूंगा, देख सकते हैं, यही इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हमें चाहिए होगा एक दो रुपए वाला पेन, जो हमारे बॉडी के रूप में काम करेगा। और ये दो रुपए का पेन आता है और ये खराब है, तो हमें खराब पेन ही चाहिए होगा। तो इसका जो हमें आगे वाला नीब है उसको काट लेना है। तो मैं एक प्लायर की मदद से इसको निकाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने नीब को निकाल दिया हूँ। और हमें पावर देने के लिए चाहिए होगा डीसी सॉकेट, देख सकते हैं, जो कि स्टेशनरी पर 5 रुपए का आसानी से मिल जाएगा। तो आप इस अगर आपको नहीं मिलता तो आप इसके जगह एक चार्जर भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसका हमें दो वायर लेना होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आप इसके जगह चार्जर भी ले सकते हैं। तो और हमें चाहिए होगा इंसुलेटर के लिए 5 वायर स्लिप्स, देख सकते हैं। और इस पूरे को, इस पिन को इस बॉडी में बांधने के लिए हमें चाहिए होगा एक कॉपर वायर, देख सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं स्पीड में कर देना, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। तो फटाफट से मैं इसको बना देता हूँ।
तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि हमने एक सेफ्टी पिन और एक स्क्रबर की मदद से कितना मस्त सोल्डरिंग आयरन बना दिया है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आप हमें मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, तब इसे टेस्टिंग करने के बारे में ये वर्क करता है कि नहीं। तो चलिए फटाफट से इसकी टेस्टिंग की ओर। तो गाइस अब हम टेस्टिंग करेंगे। तो ये मैंने लगा दूँ चार्जर प्लग में और जो डीसी सॉकेट में ये मैं लगा दे रहा हूँ चार्जर, देख सकते हैं। तो डीसी सॉकेट में चार्जर लगा दूंगा फिर मैं कर दूंगा स्विच को ऑन। तो ये मैंने ले रखा, अब ये थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैंने ले रखा हूँ ये सोल्डर वायर। तो अब मैं आपको ये पिघला के दिखाऊंगा कि ये इसको पिघला पाता है कि नहीं। तो इसको पिघला के देखते हैं कि पिघल पाता है कि नहीं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा सोल्डर आयरन कितना मस्त वर्क कर रहा है, इस सोल्डर वायर को भी पिघला दे रहा है, देख सकते हैं। तो अब मैं सर्किट में से कंपोनेंट निकाल के दिखाऊंगा ये वाला। तो अब मैं सर्किट में से कंपोनेंट आपको निकाल के दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी से है चलने वाला है और गजब की बात यह है कि इसमें हमें शॉक भी नहीं लगेगा, मतलब करंट नहीं लगेगा। और इसमें मैं एक डायोड यूज़ करने वाला हूँ, चाहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं या आपकी मर्जी है आप करें या ना करें। लेकिन अगर आप इसका डायोड का इस्तेमाल हम करते हैं तो जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है वो लंबे समय तक चलेगा, यानी जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो अगर आपके पास डायोड है तो आप लगा सकते हैं वरना नहीं लगा सकते। तो गाइस इस सोल्डरिंग आयरन को बनाना कैसे है, तो चलिए बिना टाइम गए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। Through the highways and on and on.
We'll be right back.